नमस्कार भाई दोस्तों, आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं, दोबारा ग्राउंड पर आ गए, मैदान में आ गए हैं भाई। देख लिया सबको, हिला हिला के देख लिया, कोई भी सरकार से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, या पता नहीं क्या कारण है। दो दिन हो गए लखीमपुर खीरी में पक्का मोर्चा लगा हुआ है, किसी भी न्यूज़ चैनल पर कोई न्यूज़ में नहीं दिखाया गया, किसी भी न्यूज़ में नहीं दिखाया गया। हाँ, उस लखीमपुर खीरी मोर्चे में भी कुछ एक विशेषताएँ हैं, वो विशेषताएँ भी आपको बताएंगे, और आगे क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। अपने चैनल के दो नाम आते हैं, ऑफिशियल दीपक फौजी और ओनली स्टैंड फॉर फार्मर, किसानों के लिए हमेशा तैयार, वो आपको दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए, जो लखीमपुर में पहुँचे हैं उसका एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, पीड़ा ही पीड़ा नजर आ रहा होगा आपको सब कुछ। अब इसका भी बताएंगे हम, रीजन बताएंगे। लाखों की संख्या में है, गिनती मत करना, लाखों की संख्या में, गिनती भूल जाओगे आप लोग, गिनती भूल जाओगे, ठीक है। चलो आपको दिखाई देते हैं, गिनती भूल जाओगे इतनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और हाँ, रोड के रोड भरकर चल रहे हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो पीले झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका रीजन बताएंगे। ये सभी के सभी पंजाब से आए हैं, लखीमपुर खीरी में अगर लाखों आदमी बैठे हुए ना, 90% पंजाब बैठा हुआ है भाई। ले बात मैं कह रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है मोर्चा, लेकिन 90% पंजाब बैठा हुआ है। कहाँ गए बाकी वाले? सवाल क्वेश्चन मार्क जो आता है उसका जवाब भी देंगे आपको, बताएंगे भी आराम से। सांकेतिक धरना है 18, 19 और 20 का, कल लिया जाएगा फैसला, या तो सरकार फैसला ले लेगी, नहीं तो फिर एसकेएम ने तो फैसला लेना ही लेना है। एसकेएम फैसला लेगी, एक चीज़ आपको मोटा मोटा बता देते हैं, आपने दोबारा कमर कस लेना, ये भी सबको पता है। फिर वही लोग मैदान में आएंगे जो पहले थे, वही बुजुर्ग आएंगे। युवा तो हमने देख लिया, युवाओं का चाहे गर्दन पर पैर रख दो तब भी युवा मैदान में नहीं आता, युवा तो अपने आराम से अपना धर्म नाम की अफीम लेके सो रहा है, उसको सोने दो, कोई दिक्कत नहीं, जगेगा जब तक जगता रहेगा। लेकिन अगर किसान मैदान में आ गए तो फतेह किए बिना वापस जाएंगे नहीं। और अब की बार किसानों की मांगों में ना कई मांग जुड़ चुकी हैं, और ये मांगे शायद 2024-25 भी आ जाएगा। मोटा मोटा तैयार रहना, ये सबको बता दिया है, तैयार रहना मोटा मोटा, कल जो आदेश आएगा। सबको पता है सरकार नहीं मानेगी, धरना किस लिए लगा वो भी सबको पता है, जो टैनी मिश्रा है जो भी, उसको बर्खास्त, उसके लड़के को जेल होनी चाहिए, जो कि हो नहीं रहा, या सरकार कर नहीं पा रही, होगा तो भी एक अलग ही सिस्टम होगा। फिर भी आप लोगों को इतना बता देते हैं कि तैयार रहना, अपनी कार्रवाई बांधने के लिए, आगे के लिए तैयार रहना। आदेश आएगा, एसकेएम की तरफ से आएगा, हर एक जगह पर पक्का मोर्चा लगेगा, तो फिर वो पक्का मोर्चा लगेगा। लेकिन पिछली बार की तरह सवाल फिर खड़े होंगे, लेकिन अब की बार सवाल खड़े नहीं होने दिए जाएंगे। जहाँ पर भी मोर्चा लगेगा ना, उससे पहले ही क्लियर कर लिया जाएगा कि बीच में छोड़ के नहीं भागेगा या कहीं और नहीं जाएगा। ये सबको पता है, छोड़ कर भागने वाला या जो आपका भी मसीहा बनाया था आपने, वो वहाँ पे नहीं गया, लखीमपुर खीरी में नहीं गया भाई, पहुँचा ही नहीं है वहाँ पर, वो भगवान जाने अपना कौन सा वो कर रहा होगा। लेकिन कल फैसला होगा, एसकेएम की मीटिंग होगी, प्रशासन से मीटिंग चली हुई, कल भी हुई थी, आज भी हुई है और कल भी होगी। प्रशासन की मीटिंग के बाद जब वहाँ से 3 दिन का सांकेतिक धरना था, जब धरना उठेगा तो एसकेएम का फैसला लिया जाएगा कि दोबारा से फिर पूरे देश में पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। और फिर जो कूच होता है वो सबको पता है, कूच कहाँ पे होता है। सरकार कोशिश करती है रोकने की, वो रोक करेगी, वो उसका काम है, रोकेंगे वो तो, अभी भी रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आप ये देखो कि पूरा पंजाब उठ कर गया हुआ है, और ये आपको पहले ही बताया था, पंजाब में पक्के मोर्चे लगे हुए हैं, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अब बारी आती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। अंग्रेजों से जब लड़ाई हुई थी ना, तब भी यही बेल्टें लड़ी थी, यही संयुक्त पंजाब का एरिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यही एरिया लड़ा था, लड़ने वाला यही एरिया है। अब काले अंग्रेजों से लड़ाई है, तब भी शायद इसी एरिए को अपना मोर्चा संभालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पहले भी, उस समय पर भी बहुत गद्दार होते थे, अभी भी गद्दार हैं, उन गद्दारों का भी ध्यान रखना है और अपनी लड़ाई भी जीतनी है। दो काम है अब की बार, सबका ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी ना, वो सबको पता है,
नहीं तो एक तरफा झुका दिया था पूरे सिस्टम को, एक तरफा अब की बार फिर झुकाएंगे। और इनका भी ध्यान रखा जाएगा कि कौन कहाँ पे फ्री मारता वो करता ना, इनका भी पक्का ध्यान रखा जाएगा और साथ के साथ इलाज होगा इनका, साथ के साथ। उस समय भी मेरे को तो जिससे बात करनी होगी भाई, मैं अपने आप बात कर लूँगा क्या आदेश है क्या नहीं है, पहले ही ले लेंगे हम तो अपने आदेश, और हो सकता है आपको पहले बता भी देंगे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि बिना बात की कोई भी बात बोल देनी, ये करना वो करना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। शांतिपूर्वक हर एक काम होगा, शांतिपूर्वक मोर्चा भी लगेगा तो शांतिपूर्वक चलेगा, आगे कोई आदेश होगा वो भी शांतिपूर्वक ही होगा सारा काम। जैसे पिछली बार शांतिपूर्वक आंदोलन करके पूरी दुनिया में नाम हुआ था ना, अब की बार शांतिपूर्वक ही होगा, ऐसे ही होगा और फिर दोबारा होगा। तो मोटा मोटा आप तैयार रहना, कल जो आदेश आता है आपको बता दिया जाएगा आदेश ऐसे आया है। लखीमपुर खीरी में धरना लगना 3 दिन का, वो भी बता दिया गया था। आगे अगर पूरे देश में लगेंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। हाँ इतना ज़रूर है कि आप मोटे मोटे तैयार ज़रूर रहना। दिल के से काम लेना अच्छी बात होती है, सबको पता है किसान गरीब मजदूर जो होता है वो दिल से ज़्यादा भावुक ज़्यादा होकर चलता है, लेकिन अभी समय है दिमाग से भी चलने का। उस समय भी ये बात कहता रहता था, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, अब फिर यही बात कह रहा हूँ, दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना। कोई अगर देने पाए चल रहा है ना, और हाँ जब तक किसानों के साथ, किसानों का सेनापति जोगिंदर सिंह उग रहा है ना, वही उग रहा 90% आदमी लेके गया हुआ लखीमपुर खीरी में। कोई कितनी टांग खिंचाई करे, बोलता कम है लेकिन काम बोलता है। जैसे सरदार मनमोहन सिंह का भूतपूर्व प्रधानमंत्री का काम बोलता था ना, जो ज़्यादा बोलता है ना वो काम को कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे उनका काम बोलता था ना ऐसे इनका काम बोलता है। ऐसा पक्का मोर्चा लगा के दिखा दिया कि पूरा देश देखता रह गया ये क्या हो गया। जब तक ये सेनापति अपने साथ है अपनी विजय को कोई रोक नहीं सकता, ये कन्फर्म है, क्लियर है ये। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास पहले पहुँचा दी जाएगी, पहले ही बता दिया जाएगा। अगला जो भी आदेश होगा आपको उसी समय पर बता दिया जाएगा। आगे काम आपका है वीडियो का आगे शेयर करना, लोगों तक पहुंचा देना, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, पता लग जाएगा। अब तो अपनी फेसबुक भी खुल गई है, पेज पर भी लाइव करके बता देंगे। फिर भी यूट्यूब इसलिए है, ये फेसबुक वो बंद कर सकते हैं, इसलिए यूट्यूब पर चैनल बनाया था। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को जोड़ लेना। लड़ाई दोबारा होगी तो भाई सोशल मीडिया भी अपनी होगी, टीम भी अपनी होगी, हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते। बहुत साथियों के आज जवाब आए थे कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, पहले कौन सा दिखाया था उन्होंने, पहले कौन सा दिखाया था, जब पूरी दुनिया में फैल लिया था तब गोदी मीडिया थोड़ा थोड़ा दिखाने आई थी, फिर भी ये दिखाने आई थी। जिस दिन टेंट फट रहे थे उस दिन तो बड़े खुश होकर आए थे, अब दोबारा टेंट लगने जा रहे हैं, गोदी मीडिया को इन्वाइट कर लेना। इनका तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है, इनको इन्वाइट जरूर करेंगे लेकिन ये आएंगे नहीं, हमारे को इतना पता है। करना अपने को है, काम अपना है, करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये याद रखना। नमस्कार भाई सभी साथियों को।